हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनाइट कैरियर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ड्यू के एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में। दोस्तों, एडमिशन कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए फीस कितनी देनी पड़ती है और ड्यू ने इस बार क्या क्या चेंजेस किए हैं एडमिशन कैंसिलेशन को लेकर, सारी बातें आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो ज़्यादा जानने के लिए आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम बात करते हैं एडमिशन कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए दो कॉलेज हैं, एक है सेंट स्टीफन कॉलेज और दूसरा है हिंदू कॉलेज, और आपके जो क्लास 12 के मार्क्स हैं वो है 96%। अब इन्होंने पहली कट ऑफ निकाली किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इनकी जो पहली कट ऑफ है सेंट स्टीफन की वो है 96% और हिंदू की जो कट ऑफ है वो है 97%। अब ऐसे में आपने अपना एडमिशन सेंट स्टीफन में ले लिया, उसके बाद इनकी जो सेकंड कट ऑफ है, सेकंड कट ऑफ में हिंदू की जो कट ऑफ थी वो थी 96%। अब आप चाहते हैं कि मैं अपना एडमिशन हिंदू कॉलेज में करवा लूँ, तो उसके लिए आपको अपना एडमिशन सेंट स्टीफन से कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना एडमिशन हिंदू में करवा पाएंगे और इसी को बोलते हैं एडमिशन कैंसिलेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है ड्यू की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन होगा एडमिशन कैंसिलेशन, उस पर जाना है और 1000 रुपये की फीस का पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा एडमिशन कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद वहाँ पे अपना एडमिशन कैंसिल कर देना है। एडमिशन को कैंसिल करने के बाद एक प्रिंटआउट आपको वहाँ से निकाल लेना है और उस प्रिंटआउट को लेकर आपको जाना है अपने पुराने कॉलेज में जहाँ से आपको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें अपना वो दिखाना है प्रिंटआउट और उनसे बोलना है कि मैंने अपना एडमिशन यहाँ से कैंसिल करवा लिया है, मेरे डॉक्यूमेंट आप मुझे वापस कर दीजिए, और भी आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे और इस तरह से आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आपको जाना है अपने नए कॉलेज में जहाँ आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन यहाँ पर हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता है कि कैसे आपका एडमिशन होगा, वही पुराना प्रोसेस जैसे आपने पहले एडमिशन लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट करूँगा एडमिशन कैंसिलेशन के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाने जा रहे हैं तो आप नए कॉलेज में पर जाइए जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है। वहाँ जाने के बाद एक बार उनसे बताइए कि मेरा एडमिशन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मेरे इतने मार्क्स हैं, सब कुछ आपने बताइए, और उनसे बोलिए कि क्या अपना एडमिशन वहाँ से मैं कैंसिल करवा लूँ, एडमिशन मेरा हो जाएगा। एक बार उनसे आप कंफर्म कर लीजिए, अगर आप वे कहते हैं कि हाँ आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा तभी आप अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल कराएं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और किसी कारण से मान लीजिए आपका एडमिशन वहाँ पर भी ना हुआ जहाँ पर आप नई जगह गए थे, तो उसके बाद आप वहाँ के भी नहीं रहेंगे, यहाँ के भी नहीं रहेंगे और आपका एडमिशन कहीं पर भी नहीं होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस बार ड्यू ने एडमिशन कैंसिलेशन को लेकर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले जो चेंज है वो ये है कि फीस को लेकर, आपकी जो फीस होगी एडमिशन कैंसिलेशन के लिए वो लास्ट ईयर 500 रुपये थी, लेकिन इस बार आपको इसके लिए 1000 रुपये पे करना होगा। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि एक कट ऑफ में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, आप बार बार कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे, एक कट ऑफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉलेज चेंज होगा। तीसरा जो चेंज है वो ये है कि जितने भी कट ऑफ्स निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ जितनी भी कट ऑफ्स होंगी उससे आप एक बार कम अपना कॉलेज चेंज करवा पाएंगे। यानी कि अगर 5 कट ऑफ निकलती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 4 बार कॉलेज चेंज कर पाएंगे, अगर 6 कट ऑफ निकलती हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 बार कॉलेज चेंज कर पाएंगे। यानी कि जितने भी टोटल कट ऑफ्स होंगी उससे एक कम बार आप अपना कॉलेज चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हैं सारे चेंजेस जो ड्यू की तरफ से इस बार एडमिशन कैंसिलेशन को लेकर किए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई उसे लाइक कर देना, अगर ना पसंद आई उसे डिसलाइक कर देना। आपका जो भी सवाल हो या कोई ख्याल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, मैं आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके।